नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। असहिष्णुता पर अमेरिका की भारत को नसीहत, कहा बढ़ रही असहिष्णुता, नागरिकों की करे सुरक्षा, बीफ पर हो रहे बवाल पर जताई चिंता। पठानकोट आतंकी हमले में पाक के खिलाफ मिले बड़े सबूत, अमेरिका ने एनआईए को सौंपा 1000 पन्नों का डोजियर। जेश सरगना का सिर्फ जान की फिदायिनों से हुई बातचीत के मिले रिकॉर्ड। हिमाचल हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश, 6 महीने के भीतर बनाए गोहत्या रोकने के लिए कानून। अपनी ही सरकार पर भड़की अठावले, कहा गोरक्षा से जरूरी है मानव रक्षा। लालू के दबाव का असर, नीतीश सरकार ने बिहार में ताड़ी पर से हटाया प्रतिबंध। नए शराबबंदी कानून में ताड़ी को बताया गया था देशी शराब। और देश के 10 राज्यों में भारी बारिश का कहर, असम और बिहार में बाढ़ से हालात बेकाबू। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा। बिहार में अब ताड़ी पीने पर प्रतिबंध नहीं होगा। अपने नए शराबबंदी कानून में ताड़ी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाली नीतीश सरकार ने शनिवार को कहा कि प्रदेश में ताड़ी फ्री रहेगी। उत्पाद मंत्री अब्दुल जलील बस्तान ने बकायदा इसका ऐलान करते हुए इसकी पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन के मुख्य घटक दल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का लगातार सरकार पर ताड़ी फ्री करने का दबाव था। सरकार ने लालू की सलाह मानते हुए प्रदेश में ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा लिया है। गौरतलब हो कि इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। हालांकि नए कानून में ताड़ी को देशी शराब करार दिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम, वरुण धवन और जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म धिशुम ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। इस फिल्म ने पहले दिन कुल 11 करोड़ रुपए कमाए हैं। मार्केट एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इस तरह ये फिल्म साल 2016 में पहले दिन ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में नंबर 6 पर काबिज हो गई है। आपको बता दें कि समीक्षकों के मुताबिक फिल्म की कहानी में दम नहीं है, लेकिन अरेबियन नाइट सरीखे लोकेशंस, बैकग्राउंड में चलता गाना और हास्य परोसती पंच लाइन्स फिल्म को बांधे रखती है। फिल्म में क्रिकेटर के प्रति दीवानगी को भुनाने की पूरी कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन कार्रवाई में सेना के भी 2 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा 1 जवान जख्मी भी है। सेना ने आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर मिला है। जवान इस इलाके में घुसपैठ की जानकारी मिली थी। इसके बाद जवान यहां तलाशी अभियान चला रहे थे, उस वक्त ही मुठभेड़ हुई। इससे पहले मंगलवार को नौगाम सेक्टर में 4 आतंकियों को मार गिराया था और 1 को जिंदा पकड़ लिया था। सेना ने बताया था कि सभी आतंकी विदेशी हैं। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता हरक सिंह रावत पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। 32 साल की एक महिला ने दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव थाने में FIR दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि रावत ने उसके साथ रेप किया। वे लंबे समय से उसका शोषण कर रहे थे। हरक सिंह रावत पर साल 2014 में ही छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस जाँच कर रही है कि शिकायतकर्ता महिला वही है या कोई और। महिला का आरोप है कि उस पर पुलिस के पास न जाने का दबाव बनाया जा रहा था। महिला असम की रहने वाली बताई जा रही है। रावत उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार में मंत्री थे। पिछले दिनों वे बगावत कर बीजेपी में चले गए थे। गोरक्षा के नाम पर दलितों और महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी की घटनाओं से घिरी केंद्र सरकार पर उनके अपने मंत्री रामदास अठावले ने भी गुस्सा दिखाया है। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के साथ ही मानवों की रक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के नाम पर मानवों की हत्या करना मुझे ठीक नहीं लगता। महाराष्ट्र से आने वाले दलित नेता अठावले ने कहा कि सरकार दलितों की रक्षा की गारंटी दे। हालांकि उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले गाय को मां मानते हैं। अगर गाय को मारा जाएगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। इसके बावजूद गोरक्षा के साथ ही मानव रक्षा सुनिश्चित करना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी से राज्य में शराबबंदी के असर का अध्ययन कराने का आग्रह किया, जिसे बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक ने स्वीकार कर लिया। नीतीश ने बिहार विधान परिषद की ओर से सत्यार्थी को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में ये आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि शराबबंदी से माहौल पूरी तरह बदल गया है। शराबबंदी के बाद शराब छोड़ने वाले लोगों के जीवन में सुधार हुआ है, परंतु हमें इस पर एक तटस्थ संगठन की ओर से एक विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत है।
सत्यार्थी ने कहा कि शराबबंदी छोटा कदम नहीं है बल्कि एक साहसिक कदम है। इसे बाल उत्पीड़न और मजदूरी पर अंकुश लगाने में जरूर मदद मिलेगी। मैं अध्ययन कराने के सुझाव को स्वीकार करता हूं। बिहार में गंडक नदी में उफान से साहिबगंज के दियारा इलाके के 2000 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। बीती रात अचानक जलस्तर में तेज से वृद्धि हुई। इसे 8 पंचायतों के करीब 25,000 आबादी प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित लोगों का सुरक्षित स्थान पर पलायन जारी है। दियारा इलाके के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन की ओर से राहत कैंप खोले जाने की घोषणा हवा हवाई साबित हो रही है। बाढ़ पीड़ितों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि राहत के नाम पर भी तक कुछ भी नहीं मिला है। लोगों ने बांध पर शरण ले रखा है। राशन व पशुचारा की संकट उत्पन्न हो गई है। बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों के लिए राहत कैंप खोले जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन कैंप में किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। असम इस वक्त बाढ़ से बेहाल है। राज्य के 22 जिलों के 3,374 गांव के करीब 18 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। असम इस वक्त बाढ़ से बेहाल है। राज्य के 22 जिलों के 3,374 गांव के करीब 18 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। हजारों लोगों ने राहत शिविर में शरण ली हुई है। इस बाढ़ से अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में बाढ़ से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों का केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जायजा लिया। राजनाथ मुख्य रूप से नौगांव, मोरीगांव और काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा किया। इस दौरान गृह मंत्री बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का भी जायजा लिया। उनके साथ राज्य के सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। केवल लोगों को ही नहीं जानवरों को भी बाढ़ में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक काजीरंगा पार्क में बने 130 फॉरेस्ट कैंप पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ में अब तक 60 गैंडों समेत 25 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।